राम को बताना पड़ेगा। राम फॉरगेट हिम, हम मंदिर चलते हैं, रोकते हैं उन्हें। हाँ, चलो चलो। और पूरी की पूरी फैमिली मंदिर चली गई, कोई भाग के शादी करने का तो इरादा नहीं। शिवी, यार मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो मुझे सुनने को तैयार नहीं। क्या हो गया, वो तुझसे नाराज है क्या? नाराज होना तो बनता भी है ना यार, मैंने शादी कैंसिल कर दी है, उसे वजह नहीं बताई। प्रॉब्लम मेरी है, मैं दूसरों को शामिल नहीं कर सकता अपने फैसलों में, आदत ही नहीं है मुझे। हमने कोई कम बुरा नहीं किया उसके परिवार के साथ, मॉम ने भी पेपर्स बना दिए शादी खारिज करने के लिए, और वो प्रिया ने देख ली। अच्छा, तो प्रिया को ऐसा लग रहा है कि तू शादी कैंसिल कर रहा है? खौस ऐसा ही लग रहा है ना। फैसला लेने के पहले मुझे सोचना चाहिए था यार, मैंने सही नहीं किया। क्या लगता है तुझे? नहीं, तेरी बात ठीक है यार, मगर एक बात बता, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, कौन से मंदिर? हेलो ऑटो वाले सर, सर प्रिया आपके साथ है क्या? सर अच्छा हुआ आपने फोन किया, प्रिया मैडम की तबीयत खराब सी लग रही थी, अभी मैंने उनको मंदिर पे छोड़ा है। कौन से मंदिर में छोड़ा? अच्छा वो बताओ मुझे। वो गोरेगांव में है ना राम जी का मंदिर, बड़े वाला, वहीं पे छोड़ा है मैंने। गोरेगांव वाला मंदिर? हाँ। ओके, थैंक यू सर। तू प्रिया के ऑटो वाले से बात कर रहा था, उसका फोन नंबर कहाँ से आया तेरे पास? हाँ मतलब प्रिया से लिया ना। अरे उसके पास भी मेरे ड्राइवर का नंबर है ना, तो ठीक है मुझे भी होना चाहिए ना। अरे वाह, तू तो परफेक्ट हस्बैंड हो गया बेटा। परफेक्ट हस्बैंड, जिसकी बीवी को लगता है कि उसके पति ने ही अनलमेंट के पेपर्स बनाए हैं, परफेक्ट हस्बैंड, राइट? अरे यार तू मुझे एक बात बता, कि शिवी और अक्षय की शादी हो रही है कि नहीं? नहीं यार, शिवी और अक्षय की शादी तो नहीं हो रही। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वाद शादी के साढ़े त्रंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। थैंक गॉड तुम आ गई। दीदी आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शीना ठीक है? ठीक हो ना दी? कमाल है, पनीर खा के भी जिंदा हो, मरे नहीं अभी तक। लेकिन मुझे प्रिया से बात करनी होगी, मुझे उसे बताना होगा कि इसके पीछे मेरी वजह क्या है। यार उसे जानने का पूरा हक है, मुझसे पहले ही गलती हो चुकी है, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। मैं जाकर उसे बताऊंगा यार, उसे समझाऊंगा कि मैं कभी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं प्रिया के लिए तू सेंटी हो रहा है, वेरी गुड। तू ना ब्री को कह कि वहाँ वो मंदिर जल्द से जल्द पहुँच, बात आगे बढ़ भी सकती है। मुझे लगता है ये प्रिया गुस्सा हो जाएगी, पहले तो मुझ पे और उसके बाद उसके पिता और सौतेले भाई पे। वो आ जाए ब्री। मगर तुझसे क्यों गुस्सा होगी यार, तूने क्या किया? मुझे लगता है यार मेरे साथ ना वो हमेशा गुस्सा ही रहती है, जैसे कंप्यूटर में वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना कि आप गुस्सा हो, गुस्सेल गुस्सेल, वो उसकी सेटिंग। तो पता नहीं यार, हमेशा मुझे देखते ही नाराज हो जाती है। सही बात है यार, बीवी के गुस्से की आदत डाल लेनी चाहिए। हेलो, उसे नहीं मुझे डालने की जरूरत है। ओके अच्छा, एंड यू डोंट? वाह मेरे राम बाबू, तू बस यार चिंता मत कर, उसको प्यार से माफी मांग ले, ये सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पंडित जी शुरू कीजिए। फिर शुरू कीजिए। एक मिनट, एक सेकेंड। भगवान मुझे माफ कर देना, कहते हैं ना किसी के भले के लिए बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। मिस्टर कपूर से मैंने झूठ कहा, उन्हें गुमराह किया, पर इन दोनों की खुशी के लिए, इनके प्यार के लिए, इनकी शादी हो जाने दीजिए भगवान, बस उनकी खुशी मिल जाए उन्हें, और कुछ नहीं। मिली? नहीं। आपको मिली? नहीं, कहीं नहीं है। नहीं? शिव
राम को बताना पड़ेगा राम Forget him. हम मंदिर चलते हैं, रोकते हैं उन्हें. Let's go. चलो चलो. Do something, mom. Now. कहीं देर ना हो जाए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.